So hey guys, and what's up, and welcome back to my channel once again guys, and welcome back to another fresh episode of gaming videos guys. तो भाई आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग थोड़ा बहुत हटके चीज़ों को लेके बात करने वाले हैं. उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बात करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, और उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फौजी का ट्रेलर रिलीज. गाइज हाँ, मेरे को अब कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि भाई ये जो फौजी गेम का जो ट्रेलर था ना, ये तो बहुत दिन पहले रिलीज़ हो गया, तो आज क्या कर रहे हो भाई. तो भाई मैं पहले कह देता हूँ कि भाई सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ इतना लेट हुआ इसको रिव्यू डालने में, क्योंकि मैंने खुद इस ट्रेलर को बहुत एनालाइज़ किया, फिर मैं डाल रहा हूँ इसका ट्रेलर रिव्यू. तो भाई तो ठंड पकड़ना, आराम से ठंड पकड़ो. मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और एक दो गेम्स और है जिसको लेकर आपसे बात करना है, तो थोड़ा पीसी रिलेटेड चीज़ें, और वीडियो का एंड में एक और सरप्राइज़ है, तो एंड तक बने रहना और वीडियो को देख लेना. ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है, छोटा सा वीडियो रहने वाला है. तो गाइस अपने आप को थोड़ा काबू में रखो और रुक जाओ भाई, बहुत कुछ मतलब बहुत मज़े आने वाला है थ्रू आउट द वीडियो आप लोगों को, और देख लो भाई इतना ही बताऊंगा. तो गाइस बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं भाई. तो भाई ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, तो चलो भाई क्रोम पे चलते हैं. यहाँ पे देखो हम आ चुके हैं इनकोर गेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर. चलो भाई इसका थोड़ा ऊपर कर लेते, थोड़ा बड़ा कर लेते, वैसे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो दिखेगा भी नहीं भाई. एक काम करते हैं, इसको पहले से चालू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या है, और इसको थोड़ा कम करेंगे वो इसका वॉल्यूम को. चालू हो जा, नाटक क्यों कर रहा है अब, रुक जाओ गाइस एक बार, इसको शायद से रिफ्रेश मारना पड़ेगा मेरे को. ये देखो, आहा एक मिनट भाई. अरे गलवान घाटी सही है, काफ़ी सही है, काफ़ी सही लुक दे रहा है ये हमको. वी डियर सही है, बिकॉज वी आर फियरलेस. भाई हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया था इसको, आप देखो ध्यान से देखो गाइस. सही है बहुत सही है. एनिमेशंस काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा है, मोबाइल के हिसाब से काफ़ी सही है इन लोगों का एनिमेशंस, और ग्राफिक्स मेरे को काफ़ी सही लग रहा है मोबाइल के हिसाब से. एट अराउंड 720p ग्राफिक्स काफ़ी सही किया गया है. टुगेदर वी सिक्योर भारत, ये बात हाँ हाँ बहुत सही, बहुत तगड़ा. कमिंग सून, हाँ भाई. तो अब इसका मतलब बात किया जाए, यहाँ पे एक आत्मनिर्भर भारत का मूवमेंट के अंडर पे इसको लॉन्च किया गया है, प्राउडली सपोर्टिंग द मूवमेंट. तो भाई बहुत सही, एकदम मतलब फाड़ वाला एनिमेशन बना है. और मैं बात करूँ मोबाइल की, तो मोबाइल पे ये गेम कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी सही है. अब लोग कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें क्या भाई प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड होगा, तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई प्लेयर वर्सेस प्लेयर शायद ही आप लोग को देखने को मिले, क्योंकि भाई प्लेयर वर्सेस प्लेयर समझ रहे हो ना कि बहुत मुश्किल है इसमें लाना, क्योंकि वो एनिमेशन वगैरह जो भी है वो दिखाने में कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर देंगे फिर से. तो इससे बेहतर है मे बी इन लोग बाद में कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे मोड्स लाने वाले, बट इनिशियली ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मोड लाएंगे मेरे को जितना लगता है. और मल्टीप्लेयर का मतलब इन लोगों को ये जो गेम्स होने वाले हैं ना वो हमारा दोस्तों के साथ खेल पाएंगे, मान लो एक टीम बना पाएंगे हम अपना दोस्तों के साथ, और उस टीम के अंदर 4-5 बंदे होंगे जो कि इंडियन आर्मी कहलाने वाला है, और वो आर्मी जाएगा और हमारा जो भी बॉर्डर्स है उसको प्रोटेक्ट करने वाला है, ठीक है. तो जितना हद तक लगता है ऐसा ही कुछ डालने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी खास होने वाला है हमारे लिए. इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्या डिस्क्राइब किया है. गुड ऑलवेज ट्रियम्स ओवर इविल, द लाइट विल ऑलवेज कॉन्कर द डार्कनेस, मे विक्ट्री ब्लेस फियरलेस एंड यूनाइटेड गर्ल्स और फौजी. लॉन्चिंग इन नवम्बर 2020 एंड हैप्पी हैशटैग दशहरा. और फिर हमारा नीचे जो भी टैग्स दिया गया है, जैसे कि अक्षय कुमार सर को दिया गया है, फिर भारत के वीर एंड विशाल गोंदाल, पता नहीं कौन है वैसे, तो ठीक है. तो
ये गेम वैसे तो आने वाला था अक्टूबर एंड तक, बट अब ये आया नहीं है अक्टूबर एंड को, तो इसका भी कुछ रीज़न हो सकता है मे बी, मेरे को नहीं पता, बट नवंबर एंड तक देखते हैं, आशा करते हैं आ जाए। भाई सब कुछ हो रहा है, अब ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो फेस्टिव सीज़न में इसका भी शायद रिलीज़ हो जाएगा, और गाइज हो जाए तो अच्छा है भाई। हमारा ये जो दिल का दुख है ना पबजी जाने के बाद, क्या पता उसको भरपूर कर दिया जाए और हम लोग देख पाए एक फ्रेश अच्छा गेम हम देख पाएंगे। तो ये था हमारा इस गेम का खुलासा। इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें दिखाना है मेरे को। इसके बाद हम चलते हैं हमारा स्टीम का पेज के ऊपर, जहाँ पे हम एक ऑफिशियल रिलीज डेट देख सकते हैं दी एपेक्स लेजेंड्स का, जो कि 4 नवंबर को आने वाला है, सीजन सेवन को लेकर साथ में आने वाला है ये गेम, स्टीम के ऊपर भी लॉन्च होने वाला है। इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट भी दे दिया गया है, तो आप ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे के हिसाब से काफ़ी एकदम डिसेंट सा सिस्टम रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम अगर आप पढ़ोगे तो भाई इंटेल कोर i3 6300 और इक्विवेलेंट, जो कि काफ़ी डिसेंट है भाई, चल जाता है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सही है। और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा और मेरा प्रेडिक्शन है, वो अगर आपको याद है लास्ट ईयर क्या बोला गया था, अक्टूबर या इसी के मंथ के अराउंड आपको मोबाइल के अंदर भी एपेक्स लेजेंड्स देखने को मिल जाएगा, बट उसका कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं था उसके बाद से। बट मेरे को जिस हिसाब से पीसी का दिख रहा है ना कि नया प्लेटफॉर्म रिलीज हो रहा है, तो मे बी मोबाइल का बीटा वर्जन भी इसके साथ साथ ही सीजन 7 के अंदर लॉन्च हो जाए। और अगर सीजन 7 का नाम से ये मोबाइल वर्जन में आया ना भाई, तो ये समझ लेना ये क्रॉस प्ले एनेबल्ड होने वाला है, और क्रॉस प्ले एनेबल्ड का मतलब पता ही है, जय जय भाई, मजा आ जाएगा यार, एकदम जबरदस्त वाला गेम बनने वाला है फिर तो। भाई बात यही है कि काफ़ी हद तक गेम को बूस्ट किया जाने वाला है फिर मोबाइल के अंदर भी, और ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। इसके बाद चलते हैं हमारा एक और गेम के अंदर, जो कि हमारा एकदम इंडिया बेस्ड गेम है, एकदम नेशन बेस्ड गेम है। एक मिनट भाई निकाल लेता हूँ, वो है लास्ट लैंड। इसका रिलीज डेट ऑफिशियली निकल के आ चुका है, जो कि है 27 नवंबर 2020। मेरे को नहीं पता ये गेम पेड होने वाला है अनपेड होने वाला है, मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट ये एक अजय नाम का एक लड़के का कहानी है, जो एक अंडरकवर कॉप है, और ये मार्शल आर्ट्स मतलब फिर इंटेंस गन फाइट्स वगैरह, एक इन शॉर्ट FPS गेम होने वाला है, सिंगल प्लेयर गेम होने वाला है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्टीम इज़ लर्निंग मोर अबाउट दिस गेम। ये स्टीम को भी नहीं पता है क्योंकि और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं किया गया है, बट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जो भी है हमारा मतलब एक मस्त वाला ट्रेलर लॉन्च किया गया है। बट मेरे को जितना लगता है ना, ये गेम काफ़ी हद तक अच्छा है, एक डबल ए टाइटल कहलाने का दावा रखता है, एंड ये जॉम्बीज वगैरह को लेके नहीं बल्कि रियल लाइफ एनिमीज को लेके बेस किया जाने वाला है, मेरे को एज सच फीलिंग आ रहा है। और कुछ हद तक जॉम्बीज भी हो सकता है, मेरे को उस बात का कोई आइडिया नहीं है, या कंपनीज भी अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, वैली लैंड वगैरह देख रहे हो कि हाँ भाई ये काफ़ी तगड़ा वाला लग रहा है, एंड 17 GB का स्टोरेज मांग रहा है, तो गेम कहीं पे भी छोटा नहीं पड़ने वाला है, काफ़ी अच्छा है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट देखा जाए तो DirectX 10 तो हर एक PC का अपडेट में आ चुका है, अब मेरे को लगता है 9 या 10 विंडोज 10 का अपडेट के साथ साथ। 4 GB का रैम रिक्वायरमेंट है, एंड इंटेल कोर डुओ एट 2.4 GHz का रिक्वायरमेंट है, जो कि भाई काफ़ी डिसेंट रिक्वायरमेंट है, कोई किसी के पास भी हो सकता है। और अगर कोई एकदम मस्त वाला बंदा है जिसके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड वगैरह है, तो यार देख ही सकते हो कि NVIDIA का GTX 560 और हायर का भी ये सपोर्ट दे रहे हैं गाइस। तो भाई यही कुछ चीज़ें था जो मैं आज डिस्कस करने वाला था, ये 2-3 गेम्स, और सबसे बड़ी बात हमारा फौजी का रिलीज डेट को लेके। तो गाइज अगर ये वीडियो ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से एक बार थम्स अप बटन दबा दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। शाम को आज फिर से लाइव स्ट्रीम होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे माफिया 2 डेफिनेटिव एडिशन का सीरीज चल रहा है। मेरा एक और वचन था कि एक छोटा सा सरप्राइज आने वाला है, वो है कि शाम का जो आपको लाइव स्ट्रीम दिखने वाला है ना, उसमें आज हम फेस कैम करने वाले हैं गाइज। तो जो भी मेरा चेहरा ये बदतर सा चेहरा देखने में इंटरेस्टेड है, वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा
शाम वाला लाइव स्ट्रीम में भाई बहुत बदतर चेहरा दिखने वाला है, बट फिर भी चेहरा दिखने वाला है ना भाई, तो समझ जाना। और साथ में माफिया 2 का भी मजे आने वाले हैं। माफिया 2 का डेफिनेटिव एडिशन का स्टोरी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पे हम कल छोड़े थे उसके बाद से, बट बाकी उसमें काफ़ी मजे आने वाला है उस गेम प्ले में भी। और बात किया जाए कि आएगा कि मतलब कैसा होने वाला है बाकी चीज़ें, तो ज़बरदस्त होने वाला है बाकी चीज़ें, स्पेशली हमारा फौजी गेम के अंदर। मेरे को अभी तक जो लगा है काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स दिखा है मेरे को। तो गाइज़ आपका राय भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आपके साथ मेरा पहली बार मुलाकात हो रहा है तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर से एक बार ठोक देना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, जिससे कि आपका सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आपको मिलता रहे भाई। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी आईडी नीचे मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चंस हैं आपको इस एपिसोड के रिगार्डिंग, नीचे मेरी कमेंट सेक्शन पड़ी हुई भाई, उस पर क्वेश्चन कर दो, मैं ज़रूर अटेंड करूँगा मेरा लाइव स्ट्रीम्स में उसको, या मैं कमेंट सेक्शन भी आंसर कर सकता हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में और आज का शाम का लाइव स्ट्रीम में गाइज। तो मैं अभी के लिए आप लोगों से अलविदा कहूँगा। तो गाइज मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।